जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके लिए मंत्र लेकर के आया हूँ वो डाकनी शाकनी नाशक मंत्र है। और जो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ वो मंत्र और विधि एक नागदमनी महाविद्या है ये, जो कि श्रद्धा अलग ही है, मंत्र बहुत अलग है, जो कि मैं पहली बार YouTube पर इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये नागदमनी महाविद्या इसको बोला जाता है, और इसमें आपको ज़्यादा कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल विधि विधान है, बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र है। ठीक है, इसमें आपको केवल जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत पड़ेगी, एक सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किसी भी शुभ दिन में, समझ लीजिए आप, किसी भी शुभ दिन में आपको रात्रि में इसका जाप करना है। रात्रि में एक चौकी लगा लें, कपड़ा उस पर कोई भी किसी भी रंग का आप बिछा सकते हैं, आसन आपका कोई भी हो सकता है, और जो माला रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र सिद्ध चैतन्य होनी चाहिए। अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो आपको ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्राण प्रतिष्ठित माला आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें मंत्र बहुत छोटा सा है, मंत्र को मैं आपके वीडियो में ही दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट कर लेना। केवल आपको 1008 बार मंत्र का जाप करना है और मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब वो आप एक रात्रि में ही कर सकते हैं। देखिए, एक आप इसका जाप कर सकते हैं पूरा, आपको केवल 11 माला का जाप करना है बस, और किसी भी शुभ दिन में आप कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उठा करके माला से जाप शुरू कर देना है, और आपका जो मुख रहेगा वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, बस इतना करना है। 11 माला का जाप करोगे, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब आती है बारी कि ये मंत्र ग्रहण में भी कर सकते हैं। ग्रहण में भी आपको सेम यही प्रक्रिया अपनानी है, जैसे कि अभी ग्रहण पड़ने वाला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रहण जो है आपका इंडिया में तो दिखाई नहीं दे रहा है, जब इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका महत्व क्या रह गया। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर सी बता देता हूँ कि ग्रहण का महत्व उतना ही होता है, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसका प्रभाव है वो संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। और जब वो संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है ना उसका प्रभाव, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि भाई हम बच गए और दूसरे मर गए। मतलब कि जो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है सिर्फ उन्हीं पे प्रभाव होगा, बाकी किसी दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं होगा। भाई जो जो प्रकृति है, जो उसकी तरंगे हैं, वो सब जब पृथ्वी पर पड़ रही हैं तो पृथ्वी अछूती कहाँ रह जाएगी, वो तो पूरे वायुमंडल में पड़ रही हैं। तो इसलिए प्रभाव उतना ही होगा, भले ही वो बात अलग है कि कहीं 100% प्रभाव होगा तो कहीं 80% प्रभाव होगा, बस फर्क इतना है, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। तो इसलिए ग्रहण में आप इसको कर सकते हैं। ग्रहण में भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है, और अगर ग्रहण में आपने 11 माला का जाप कर लिया तो ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिद्ध हो जाएगा कि एक बार मंत्र का जाप करते ही वहां से डाकनी साकनी तुरंत छोड़ करके भाग जाएंगे। ठीक है,
तो अब इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। मान लिया आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी डाकनी साकनी या भूत प्रेत का किसी तरह का प्रकोप है उस पर, तो आप उसको सिर्फ 21 बार मंत्र पढ़कर, 21 बार मंत्र पढ़कर के झाड़ा दे दें, बस वो उस रोग से मुक्त हो जाएगा और वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। ये विद्या नाग दमनी विद्या इसलिए जल्दी सिद्ध होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम कुरकुले स्वाहा। केवल छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम कुरकुले स्वाहा। बहुत तेजस्वी मंत्र है और बहुत शक्तिशाली भी है। कहते हैं ना कि छोटा बहुत खोटा, तो ये मंत्र छोटा भी है भाई, खोटा भी बहुत है। तो इसलिए छोटे पे ना जाएं कि मंत्र छोटा है और वर्ड क्या है, केवल मंत्र पर जाएं और मंत्र को सिद्ध करें और लाभ प्राप्त करें। वीडियो जिन भाइयों को अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।